गर्लफ्रेंड हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुना कैसे हो? वैलेंटाइंस डे खराब कोई बात नहीं, मैं नाइट में वैलेंटाइन मानूंगी। अच्छा, और वैसे भी हमारा तो वैलेंटाइंस जो है हमारे व्यूअर्स के साथ होता है। अच्छा, सो इसलिए फिर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ बताऊं। मुझे और ये बताएं, वैसे आप वैलेंटाइंस डे पे यूजुअली करती क्या है, कोई प्लान्स होते हैं स्पेशल? स्पेशली कुछ नहीं होता, मोस्टली तो मेरे साथ अचानक से होता है सब कुछ। वैसे अचानक से गिफ्ट आ जाता है, अचानक से गिफ्ट आ गया, अचानक से लाइक हमारी दो तो सेलिब्रेशन होती है, वो मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगी वो कौन सी वाली सेलिब्रेशन होती है। तो और उसमें ये होता है कि लाइक सरप्राइजिंग पार्टीज, इवेंट्स, अपने इवेंट से बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन ये कि जब मैं घर जाऊंगी मुझे कोई ना कोई सरप्राइज जरूर मिलेगा। और घर वाले मुझे बहाने से घर से बाहर रखते हैं कि ये बाहर जाए तो हम लोग इसके लिए कोई सेलिब्रेट। अभी शो देख रहे होंगे, अभी तो लाइव शो कर चुके, अभी वो शो ही देख रही होंगी, अभी वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, मुझे पता है। यार मेरे भी कोई ऐसे कोई कर रहा है, सो आई फील सो सो नाइस। देखिए हम लाइव टेलीविजन पे बोल रहे हैं, हम लोग दोनों बेचारे ऐसे कुछ नहीं होता हमारे साथ। हो सकता है आपके लिए भी सरप्राइज हो इस बार। नहीं मुझे तो पता है। अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, वैसे जिस तरह का सोचते हैं वैसे ही होता है। ऐसे भी होता है कि अच्छा सोच ले, वापस घर पहुंचे कुछ भी नहीं एंड यू लाइक हाउ डिसअपॉइंटिंग। थोड़ी देर के लिए इंसान सोच के खुश हो सकता है ना कि हाँ हो सकता है सेलिब्रेशन होने वाला था, बस तो रुक गया। चलो कोई बात, अगली दफा कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। चलो एटलीस्ट आपके साथ तो हुआ ना, हम खुश हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग हमें फौरन से कॉल करें क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड है आप सबसे बात करने के लिए। वी वांट टू नो कि आप लोग किस तरीके से अपना वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं जबकि इनका दिन अभी शुरू ही हुआ होगा। वैसे सनम, हाउ डू यू रेगुलरली यू नो स्पेंड योर वैलेंटाइंस डे? यू नो रेगुलरली तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग, आई हैव अ पेपर टुमारो, तो अभी मैंने इसी बात पे डिस्क करा था। तो तुम क्या करियो वापस जाके, पढ़ रही हो ना? एक्चुअली नथिंग एज सच, मैं आई एम काइंड ऑफ लिटिल बिट बोरिंग, बट आई डोंट वांट यू गाइस टू बी बोरिंग एट ऑल। सो नो, वी हैव अ फन फन शो फॉर यू गाइस। एग्जैक्टली, तो दिस इज लाइक अ फन फॉर मी, लाइफ शो ऑन वैलेंटाइंस डे, मजा आ जाता है। द नंबर इज 3225-4673 और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। 6 to 9 घंटे का ये लाइव शो है, पता नहीं दूसरे लोग क्या करें लेकिन हम लोग हमेशा की तरह अपना ट्रेडिशन बरकरार रख रहे हैं। वी हैव lots of balloons over here जो फट रहे हैं हर दो दो सेकंड बाद। Yeah, that's quite scary actually. जब देखो तो मैं क्या सुनम तो क्या हो रहा है। Oh my god. I have a bit of a phobia of no loud noises, वो sudden loud noises जैसे पटाखे चलते हुए। ऐसा करते हैं कि सरमद और मुस्कान एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल्ला बात कर रहा हूं, नाम से। अब्दुल्ला, क्या हाल चाल है आपके? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। बताएं कि आप क्या किस तरीके से अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं यार लास्ट ईयर तो किसी के साथ वैलेंटाइन डे किया था, तो इस बार तो वो लाहौर में है। हाँ। तो इस बार घर में बैठ के वैलेंटाइन डे को। अच्छा, तो शुक्र है लास्ट टाइम जिसके साथ किया था अभी भी उसी टाइम उसी के वाले के साथ। वेल सेड, वेरी वेल सेड। अच्छा, तो अभी आपने उनको कोई गिफ्ट दिया या कुछ? यार उसको मैंने गिफ्ट कल ही सेंड कर दिया था। क्या इंटरनेट के थ्रू आपने वो फूल भेजे वगैरह? क्योंकि आई हैव डन दैट एक्चुअली, दैट्स अ वेरी गुड सर्विस। वो चीज बंदा वो चीज भेजे इसका कोई फायदा भी हो ना। उन्होंने उनका भी आएगा आपको क्या लगता है कि वैलेंटाइन डे पे लड़कियों को भी देना चाहिए कुछ? That's fine. लेकिन उससे ज़्यादा like Hello Sanam. हाँ जी। फिर आपने किसी को विश किया? मैंने किसी को विश नहीं किया, मैं आप लोग को विश करूँगी ना, Happy Valentine's Day. अच्छा, हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है यार, आपने मैं विश किया, thank you. You're welcome. आप लोग सब मेरे वैलेंटाइन है क्योंकि मेरे पास कोई वैलेंटाइन नहीं। मैं घर जाके पढ़ूंगा। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अब्दुल्ला, एंड आई एम श्योर तुम्हारा रात को कोई प्लान व्लान होगा। हम पूरे इस्लामाबाद को हम सब की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। थैंक यू, टेक केयर, बाय। तो क्योंकि पहली कॉल आ चुकी है, आप लोग को सबको पता चल गया होगा कि कॉल का सिलसिला जारी हो चुका है, तो आप लोग दबा के कॉल शुरू करें। और अब क्योंकि मुस्कान हमारे साथ इधर बैठी हुई है, बाय द वे मुस्कान, अब आप हमें बताएं कि अगर आज आप यहाँ नहीं होती
तो आप क्या कर रही होती? वाह, अभी सो रही होती. सो रही होती अभी भी? अभी भी सो रही होती. बिकॉज़ शाम के क्या 6:30 बजने वाले हैं. बिल्कुल स्टार है यार, स्टार है भाई. मतलब सुबह मैं बहुत अर्ली उठ गई थी ना आज, मुझे कुछ काम थे, उनको मैंने लाइन अप किया. उसके बाद फिर मैं सोच ही रही थी कि मैं थोड़ी देर सोती हूँ शो से पहले, अभी आने से पहले. लेकिन मैं अचानक से मैंने देखा कि 4:30 हो रहे. फिर मैंने इतनी जल्दी जल्दी मेकअप किया और मैं भागी यहाँ. मैंने कहा सब कुछ छोड़ दो, मेकअप की जरूरत तो नहीं है. बिकॉज़ यू नो यूजुअली फेयर स्किन, इसके साथ भी ये मसला है ना. लाइक ही इज ही हैज अ नाइस लाइक कलर, तो इसको ही इज लाइक थैंक यू. लेट आता है 5 मिनट में बस कर लिया बस. तो ये लेकिन फिर भी हम जो लड़कियों के लिए चीजें बहुत जरूरी होती है. अच्छा अभी ना मैं पार्क टावर्स गई थी, मुझे काम था. सही है. एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अबू बकर, तो उन्होंने मेरा मेकअप किया ना. तो मैं बहुत उन्हें तो ही लाइक नहीं तुम आओ मेरे पास. तो मैंने कहा थैंक यू सो मच अबू बकर. तो मैं मेकअप करा के उतरी, तो मैं नॉर्मली देख रही हूँ लड़कियाँ. अच्छा आई जस्ट वेंट टू द वॉशरूम 2 सेकंड के लिए ना. मैंने कहा सर टिश्यू से साफ वाफ करूँ, क्या सीन है. तो लड़कियाँ कार्ड्स लिख रही हैं उधर, मैं देख रही हूँ. फ्लावर शॉप पे जाओगे बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी आपको. अच्छा मुझे इतनी हंसी आ रही है बिकॉज़ यू नो लाइक व्हेन वी वर किड्स वी यूज्ड टू गो टू पार्क टावर्स और हम लोग ऐसे ही चिल करते थे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है. अब सब लोग कार्ड्स लिख रहे हैं कोई खरीद. अच्छा रैंडम लड़के ऐसे घूम रहे हैं एक रोज को साथ पकड़ के. पार्क टावर में तो यही सीन चल रहा होता है, जानबूझ के ना फ्लावर दे रहे होते हैं. और आप जानते ही नहीं किसी बंदी को, आप ऐसे ही ढूंढ रहे हैं उसको कि क्या सीन है, कोई मिल जाए मुझे यार बस. You know, it's such a commercial holiday that it's a reason to have fun. आपको एक मौका मिला. But I think it's like fun because एक ही दिन हो रहा था कि openly हो रहा होता, सब घूम रहे हैं रोज पकड़ के छुपा के. This cat के थप्पड़ पड़ेगा क्या होगा पता नहीं. चलो यार. ओह अच्छा मैं एक बात बताऊं. I went to Roasters for lunch. ठीक है. तो फिर मैं जब बाहर आया तो एक छोटा बच्चा आता है, प्लीज सर इट्स वैलेंटाइन बाय अ फ्लावर फ्रॉम मी प्लीज. आई वाज लाइक बच्चे आपको अंग्रेजी आती है? नो ओनली वैलेंटाइन प्लीज बाय फ्लावर फ्रॉम मी. अच्छा रियली ओके. स्पेशल ओकेशन के लिए मैंने उससे दो ले लिए, दो बच्चे थे मैंने दोनों से ले लिए. वाज सो स्वीट. अच्छा तो ऐसा करते हैं कि अब हां बिल्कुल अब ऐसा करते हैं कि एक कॉल ले लेते हैं. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है? मुझे तो जाने हम ना माने सॉरी. हां जी दूसरे नंबर पे आए आज कॉल करने पे. आज दूसरे नंबर पे क्या करूँ, आज आपके मोबाइल फोन मिले नहीं. यूजली ये ना 6-6 मोबाइल फोन करके गर्ल पा पे कॉल करो. हाँ हाँ जी मलिक वकार साहब, कैसे आप अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप बस वक्त गुजार रहे. पेशावर में वैलेंटाइन डे नहीं सेलिब्रेट होता थोड़ा सा? यार हम इस्लामाबाद आए हुए हैं सेलिब्रेशन के लिए. क्या बात है यार, और फिर भी सेलिब्रेशन ही हो रही है. आप बताइए वैलेंटाइन डिनर पे कहां जाएंगे? गाड़ी तैयार की है दोस्तों. आप दामने को वगैरह कहीं जा रहे हैं डिनर के लिए? फिर आज रात डिनर शिनर कहाँ खाएंगे? हाँ जी डिनर शिनर कहाँ खाएंगे और किसके साथ खाएंगे आज आप? हेलो आपके साथ खा लेंगे, वहाँ आ जाते हैं. कराची आ जाते हैं, ये अच्छा रहेगा. नहीं आप ऐसा करें टीवी के सामने प्ले टीवी लगाए रखें, हम यहाँ सब बातें करेंगे, हम यहाँ चॉकलेट खाएंगे, आप वहाँ डिनर खाएं. वाह सुन के बात किया ताली. कॉस्ट सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट मैनेजमेंट वेरी नाइस. बिजनेस वुमन आई थिंक.